नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल रत्न यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ओप्पो ने अपना ओप्पो F9 और F9 Pro इंडियन मार्केट में आज लॉन्च किया है और इस वीडियो में हम इसी ओप्पो F9 और F9 Pro के सभी स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों वेरियंट्स के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन सेम हैं, दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम हैं। बस जो 4GB रैम वाला वेरियंट है वह ओप्पो F9 है और जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है वह ओप्पो F9 Pro है। अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन में हमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। उसके अलावा पहली बार ओप्पो के F सीरीज में डुअल रियर कैमरा को इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ में ही इस स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन दी गई है और ये बूक फ्लैश चार्ज के साथ आते हैं। अगर हाइलाइट्स के बाद हम प्राइजिंग की बात करें तो जो ओप्पो F9 है यानी 4GB रैम वाला वेरियंट, उसका प्राइस रखा गया है 19,990 रुपये और जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है यानी ओप्पो F9 Pro, उसका प्राइस रखा गया है 23,990 रुपीज। आज से प्री ऑर्डर के लिए ये दोनों स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। ये तो हुआ इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइजिंग और एबिलिटी के बारे में। अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वह एक 6.3 इंचज का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल्स का है और जो एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले का है वो 19.5:9 का है। और इसमें जो नॉच दिया गया है वो काफ़ी यूनिक है। इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है जो कि वी शेप में है और इसके पहले ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं आया है जिसमें इस तरह का नॉच डिज़ाइन दिया गया हो। तो यह स्मार्टफोन देखने में काफ़ी यूनिक लगता है और नॉच जो है वो अलग से काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें हमें 90.8% का देखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्रंट कैमरा है उसे नॉच में दे दिया गया है और बाकी ऊपर की तरफ पूरा स्क्रीन है। अगर हम डिस्प्ले के बाद इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, मीडियाटेक का हीलियो P60 और यह मीडियाटेक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें हमें 4GB की रैम और 6GB की रैम, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं, ओप्पो F9 लेते हैं या फिर ओप्पो F9 Pro लेते हैं, देखने को मिलता है। और 64GB की इंटरनल स्टोरेज हमें दोनों ओप्पो F9 और ओप्पो F9 Pro में देखने को मिलती है और हम लोग माइक्रो FD कार्ड डाल के 256GB तक मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर के बाद कैमरे की बात करें तो इस ओप्पो F9 में पहली बार हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है, अपर्चर F1.8 का है और जो सेकेंडरी सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का है और अपर्चर F2.4 का है। हमें रियर कैमरा में LED फ्लैश देखने को मिलता है। उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड और बोके मोड और बहुत सारे ब्यूटी मोड भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो इसमें 25 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसका अपर्चर F2.0 का है और फ्रंट कैमरा में हमें HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें इनके बाकी फीचर्स की तो ये दोनों स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आते हैं। इसमें हम लोग दो नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं और ये डुअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक कलर OS 5.2 बेस्ड एंड्रॉयड 8.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो 3500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि ओप्पो के बूक फ्लैश चार्ज के साथ आती है। अगर कनेक्टिविटी फीचर्स की तरफ देखें तो इसमें हमें लगभग सभी कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि डुअल वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS और माइक्रो USB पोर्ट और इसमें हमें 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। और जितने तरह के सेंसर्स होते हैं वो सभी दिए गए हैं, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि रियर माउंटेड है और इसमें हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। और फ़ोन का जो वेट है वो 169 ग्राम्स है। दोस्तों, ये है ओप्पो का F9 और F9 Pro। प्राइजिंग पिछले साल के मुकाबले कम्पिटेटिव रखी गई है, क्योंकि 20,000 रुपये के सेगमेंट में अभी जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें ऑनर प्ले ने एक तगड़ा कंपटीशन दिया है और 20,000 रुपये में ही उसमें हमें क्रीन 970 प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि ओप्पो ने प्राइजिंग पिछले साल से थोड़ी कम की है, लेकिन फिर भी प्राइजिंग ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि ऑनर प्ले के क्रीन 970 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। उसके अलावा इसमें जो कैमरा दिया गया है वो भी एवरेज लग रहा है 16+2 मेगापिक्सल का। हालांकि फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का है और हमेशा से ओप्पो कैमराज के लिए जाना जाता है, तो देखना होगा कि इस स्मार्टफोन में जो रियर कैमरा है वो कैसा दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में इस ओप्पो के F9 और F9 Pro के सभी स्पेसिफिकेशन फीचर्स को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोज और भी देखने हो तो आप मेरे चैनल टेक्निकल रत्नेश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।